हेलो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो अपडेट आप देखें सबसे पहले। हाँ जी, क्या हालचाल आप सभी के, मैं आपका दोस्त अनस पठान दोबारा आ गया हूँ वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो आज हम आपको वैक्यूम की एक ट्रिक सिखाएंगे, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वैक्यूम के लिए आपको कुछ नहीं, नॉर्मल आपके घर में चीज़ हो सकती हैं, जैसे एक प्लेट। अगर आपके पास ये पेट्री डिश नहीं है तो आप नॉर्मल एक प्लेट ले लें और एक शीशे का गिलास ले लें। और आपको नॉर्मली क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको ये जो कैंडल है इसको थोड़ा छोटा कर देना है। उसके बाद आपको इसको नीचे से थोड़ा पिघला कर इसमें चिपका देना है ताकि ये इधर उधर हिले ना और ये आराम से वहाँ जमी रहे। ये अब हमारी कैंडल एकदम जम गई है, इधर हिलेगी नहीं। तो अब हमें नॉर्मली इसके ऊपर एक तो इसको पानी से भर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ आप देख सकते हैं। और अब इस कैंडल को जला लेना है। सो ये कैंडल जल चुकी है और आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास अगर जो शीशे का गिलास है उसको इसके ऊपर रख लेना है नॉर्मली और देखिए जादू आपने देखा। तो ये हुआ क्या है, एक्चुअली जो कैंडल बुझी है वो इसलिए बुझी है क्योंकि हमने जब ग्लास रखा था ऑक्सीजन की वजह से आग लगती है और हमने इसका ऑक्सीजन रोक दिया, इसलिए उसको ऑक्सीजन नहीं मिला और वो बुझ गई। और बुझते बुझते जो इसने यहाँ पर वैक्यूम बनाया, वैक्यूम से क्या हुआ कि पानी ऊपर आ गया जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आइए आपको थोड़ा और नए तरीके से दिखाते हैं। देखिए अब ये थोड़ा ढक्कन ये थोड़ा टाइट हो चुका है क्योंकि वैक्यूम बन गया है यहाँ पर। जैसे ही वैक्यूम टूटेगा ये पानी गिर गया। देखिए तो थोड़ा इसमें फूड कलर डालते हैं ताकि अच्छे से दिखे आपको। ये पिंक ले लेते हैं। इसमें बहुत होगा, इसको हिला देते हैं। तो सही है, अब क्या करना है पूछ नहीं, अभी हम दोनों कैंडल को जलाना है और देखना है कि आप पूरा इतना पानी आ जाता है कि कैंडल बुझ जाए। तो अब ट्राई करते हैं क्या पूरी ये इतना पानी आ सकता है कि कैंडल बुझ जाए दोनों या नहीं, देखते हैं क्या होता है। सो पहली बार से तो बहुत ज़्यादा पानी आया आपने देखा, हमने दूसरी कैंडल इसको चिपकाया नहीं था, इसको ऐसे ही हमने रख दिया था तो वो पानी में ऊपर तैर रही है। और पहली बार से हल्का इतना ज़्यादा पानी आया था और अब की बार बहुत ज़्यादा पानी आया। तो एक और कैंडल जला के देखते हैं क्या बड़ी वाली कैंडल भी पानी में पानी ऊपर जा सकता है पूरा या नहीं। इन तीनों कैंडल को अच्छे से फिक्स कर देते हैं ताकि ये पानी में हिले ना, ये अपनी जगह टिक रहे। तो ये जल गई है, हमें इसमें पानी डालना है। और इस बार हम कलर डालते हैं ग्रीन, इस बार हम कलर डालते हैं इसमें ग्रीन। और देखते हैं क्या इस बार बड़ी वाली कैंडल हम बुझा पाते हैं नहीं। अरे यार ये वाली मैंने फिक्स करी थी, ये दोबारा पानी से हट गई है। तो अब देखते हैं क्या होता है। 1 2 So, देखा आपने, ये वैक्यूम की ट्रिक थी। आप चाहें तो ऐसे घर पे भी वैक्यूम समझ सकते हैं क्या होता है। और ये ग्लास भी एकदम टाइट हो चुका है, इतना भी नहीं है मतलब थोड़ा टाइट हो चुका है।
और आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में आइडियाज देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।